मंगल भवन मंगल हारी प्रभम सुर सुरथ अजिर बिहारी नहीं अचिर जुग जुग चली आई केही न दीनी रघुबीर बड़ाई राम नाम महिमा सुर कही सुनी सुनी अवध लोग सुखुल प्रेम करत कर जोरी कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तीन काल कुशल निज लेखी अब प्रभु परमानुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे मंगल भवन मंगल हारी द्रवउ सुरस रथ आश्चर्य नहीं है युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गया प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों
पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी हेतु की कृपावश अपना लिया, यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जैसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले से लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।